Hello everyone, what we were doing, we started doing the concept of this or that. I hope apne acche se wo jo ma'am ne kal step sikhaya tha, you learned that with your mama. Aapne practice kiya us step ko mama ke saath, phir se kare aaj ma'am ke saath step. So stand up. Okay, so 1, 2, 3 start. This, that, near, far. Alright, इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज near है उसमें हम use करेंगे this, and the thing which is far, जो दूर है उसमें हम use करेंगे that. Simple. So देखो यहाँ पे मैम, यहाँ पे एक पिक्चर बना रही है. ओके, व्हाट इज दिस? क्या है ये? ये एक मैंगो है. मैम एक और चीज बना रही है, वन मोर ऑब्जेक्ट. क्या बनाया मैम ने? स्टार. नाउ टेल मी, मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, मैंगो के लिए मैं दिस लगाऊं या मैं दैट लगाऊं, तो कैसे पता करेंगे? ये ऑब्जेक्ट मैम के पास है या दूर है? ये ऑब्जेक्ट है नियर, पास में. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी? जो चीज पास में होती है क्या लगाते हैं उसके लिए? दिस दैट दिस. पास में है तो हम लगाएंगे दिस. सो वी विल राइट डाउन दिस, THIS, दिस. अब देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है स्टार. नाउ ऑब्जर्व, ये जो स्टार है मैम के पास है या दूर है? फार है ना, दूर. सो दिस दैट, दूर के लिए, फार के लिए हम क्या लगाते हैं? This, that. So we will insert that. All right. For example, ma'am ke paas ek kya hai? Umbrella. This is raining season na. So umbrella. Ab mujhe batao, main umbrella ke liye this insert karu ya that? ये ऑब्जेक्ट अम्ब्रेला मैम से फार है, दूर है. सो मैं इसमें लगाऊंगी दिस दैट. यस, दैट इज एन अम्ब्रेला, दैट इज एन अम्ब्रेला. ऑलराइट, नाउ गॉगल्स. नाउ दिस गॉगल, अब मुझे बताओ मैम के पास में है या दूर है? मैम के पास में है, तो मैं इसमें दिस लगाऊं या दैट लगाऊं? जो चीज पास में होती है उसमें क्या लगाते हैं? दिस दैट, दिस दैट. यस, जो चीज पास में है मैम उस पे लगाएंगी दिस. सो आई विल से दिस इज अ गॉगल. ऑलराइट, अब हम इसी एक्सरसाइज को अपनी बुक में करते हैं. सो टेक आउट योर बुक, बुक ऑफ फोनिक्स. टेक आउट शीट नंबर 47. शीट नंबर 47, कल हमने इससे पहले वाला शीट किया था. टुडे वी विल डू शीट नंबर 47. वही दिस और दैट का कंसेप्ट है. जो हमारे नियर है, जो हमसे नियर है, हम यूज करेंगे दिस, और जो हमसे फार है उसमें हम यूज करेंगे दैट. ठीक है, ये टू चीज हमें ध्यान रखनी है वाइल डूइंग दिस क्वेश्चंस. अब हमें इंसर्ट करना है इन ब्लैंक में कि दिस आएगा या दैट इज आएगा, दिस इज आएगा या दैट इज आएगा. ऑलराइट, यहाँ पे देखो टू क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं. क्यों?
जिससे आपको इजी हो जाए समझने में। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जो भी पिक्चर्स है ना इन क्वेश्चंस के आगे, जो पिक्चर है वो ऑब्जर्व करना है कि वो इस हैंड से पास में है या दूर है। पास मतलब नियर और दूर मतलब फार। तो देखो, फर्स्ट पिक्चर में ये जो स्पाइडर है, एक स्पाइडर है, वो इस हैंड से जो पॉइंट आउट हो रहा है नियर है या फार है। नियर है या फार है, नियर है ना, तो नियर के लिए हम दिस यूज करते हैं या दैट। हम यूज करते हैं नियर के लिए दिस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस, और देखो इज यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो हमें यहाँ पे इज भी लगाना है, दिस इज। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ दिस और दैट इंसर्ट किया था, आज हमें दिस इज और दैट इज इंसर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बना है स्टार, एक स्टार है। अब देखो ये जो फिंगर पॉइंट आउट हो रही है वो स्टार उसके नियर है या फार है। नियर है या फार, फार है ना, देखो फिंगर से कितना दूर है, तो दूर के लिए हम दिस यूज़ करेंगे या दैट। दूर के लिए, फार के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, यस वी विल यूज़ दैट। सो हेयर इट इज़ रिटन दैट, दैट इज अ स्टारफिश, दैट इज अ स्टारफिश। ओके, लेट्स नेक्स्ट वन करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट में एक ट्री बना है, क्या बना है, एक ट्री। नाउ सी, ये जो फिंगर पॉइंट आउट हो रही है वो ट्री उसके नियर है या फार है। नियर है या फार, फार है ना, देखो कितना दूर है उस फिंगर से जो पॉइंट आउट हो रही है, तो फार के लिए, दूर के लिए हम दिस यूज करेंगे या दैट। यस वी विल यूज दैट, सो राइट डाउन हियर दैट इज, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। पास में होता तो क्या लिखते, दिस इज अ ट्री, पर अभी ये दूर है तो लिखा है हमने दैट इज अ ट्री। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में एक बुक है, नेक्स्ट में एक बुक की पिक्चर है। तो देखो ये पॉइंट आउट क्या कर रही है, नियर या फार, ये बुक फिंगर के नियर है या फार है। नियर है ना, देखो पास में है, तो पास के लिए हम दिस यूज करेंगे या दैट। यस वी विल यूज दिस, सो वी विल राइट डाउन दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है, जो पास होगा उसके लिए दिस और जो दूर है दैट। पास में है तो दिस और जो दूर है वो दैट। सो दीज फोर आप खुद से ट्राई करोगे, पिक्चर को देखोगे कि वो पास में है या दूर है, नियर है तो दिस और दूर होगा तो दैट। ओके, सो डू दीज फोर क्वेश्चंस रिमेनिंग योरसेल्फ। थैंक यू।